एक बार फिर खास मौका आया है। अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई एनडीए सरकार शपथ लेने वाली है। देश विदेश के हजारों खास मेहमान शपथ समारोह के गवाह बनेंगे, तो जाहिर है इसके वेन्यू यानी राष्ट्रपति भवन परिसर में सुरक्षा भी खास होगी। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाले शपथ समारोह के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, ताकि परिंदा भी पर न मार सके। शपथ समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन परिसर में राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड तो तैनात ही रहेंगे, एसपीजी, आईटीबीपी और अर्धसैनिक बलों के जवान भी हर तरफ नजर रखेंगे। साथ ही एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात रहेंगे। दिल्ली पुलिस खुफिया विभाग की टीमें भी समारोह स्थल से लेकर हर तरफ निगरानी करेगी। इसके अलावा किसी तरह के केमिकल रिसाव की स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रहेंगी। शपथ समारोह से पहले ही राष्ट्रपति भवन और रायसीना हिल्स इलाके से लेकर राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर हर तरफ कड़ा पहरा है। हर ओर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और जमीन से आसमान तक कड़ी नजर रखी जा रही। इसके लिए तमाम ऊंची इमारतों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा। एनएसजी के पास मौजूद एंटी ड्रोन सिस्टम शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास लगा दिया गया है। इस काम में डीआरडीओ भी एनएसजी की मदद कर रहा। खुफिया जगहों और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती भी रहेगी। इतना ही नहीं, शपथ समारोह में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए बेहद हाईटेक इंतजाम होंगे। सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए घुसपैठ चेतावनी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं एआई तकनीक से लैस फेस डिटेक्टिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जा रहा है। नई सरकार के शपथ समारोह को देखते हुए राजधानी दिल्ली में 9 और 10 जून को 2 दिन के लिए नो फ्लाइंग जोन की पाबंदी लागू रहेगी। इस दरमियान ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर उड़ान पर रोक रहेगी। साथ ही अनमैन्ड एयर सिस्टम्स, माइक्रोलाइट रिमोट संचालित विमान भी नहीं उड़ाए जा सकेंगे। हॉट एयर बैलून और क्वाड क्वार्टर और पैरा जंपिंग पर भी रोक रहेगी। तीसरी बार पीएम मोदी के शपथ समारोह में कई विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं। ये मेहमान जिन होटलों में ठहरे हैं उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की सलाह पर अलग से अधिकारियों को नियुक्त किया है। विदेशी मेहमानों के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ खुफिया विभाग के अफसरों को भी तैनात किया जा रहा, ताकि किसी भी विदेशी मेहमान को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए विदेशी मेहमानों के होटल से राष्ट्रपति भवन तक आने के रास्ते में भी कड़ी सुरक्षा रहेगी। साथ ही ट्रैफिक पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में G20 के दौरान सुरक्षा के जिन मानकों को अपनाया गया था, उनको शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी अमल में लाया जा सकता है। गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा विभाग, दिल्ली पुलिस, एसपीजी, एनएसजी, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के आला अफसर सुरक्षा की तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं, ताकि राजधानी में शपथ समारोह का हाई प्रोफाइल कार्यक्रम सुविधाजनक तरीके से संपन्न हो सके। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।